सर गुंजन सिंह और सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप और पवन सिंह, ये तीनों का कैरियर दांव पर लग चुका है। अपना कैरियर को दांव पे लगा करके सर, ये तीनों शख्स का कैरियर कैसे दांव पे है आइए समझते हैं। सर आपको पता होगा कि गुंजन सिंह नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष कश्यप वहीं चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं, और बात करें पवन सिंह जी के बारे में तो वो कराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये अच्छा कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मतलब इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन सर आपको दिख रहा होगा ये तीनों शख्स कहीं से कोई कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं तो वो आप सबके लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। और इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर भी ये लोग तो मदद कर सकते हैं, तो भाई एक से दो व्यक्ति को ऐसे मदद हो सकता है, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे, इनके हाथ में पावर आ जाएगा तो ये करोड़ों लोगों को मदद कर सकते हैं, सिंगल व्यक्ति। सर आइए मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि लोग क्यों कहते हैं कि मैं अपना करियर दांव पे लगा रहा हूँ। सर इसीलिए बोलते हैं मैं अपना करियर दांव पे लगा के चुनाव लड़ रहा हूँ, गुंजन सिंह को भी कोई टिकट नहीं मिला, ये भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये अपने दम पे लड़ रहे हैं। वहीं बात करें मनीष कश्यप जी का तो वो भी अपने दम पे निर्दलीय लड़ रहे हैं। पवन सिंह जी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि सर ये तीनों शख्स ऐसा है जो अपने दम पे लड़ रहा है और पब्लिकों के सहयोग करने के लिए और पब्लिकों को मदद करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर इनके सोच पे आप कुछ कहना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए YouTube पे देख रहे हैं तो सर सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।